बर्फ की बरसात। एक शाम की बात है, गट्टू चिंकी और पापा अपने बैग पैक करके मम्मी के पीछे पड़े थे। तीनों मम्मी को मना रहे थे लेकिन मम्मी मान ही नहीं रही थी। मम्मी मम्मी प्लीज। नहीं बिल्कुल नहीं। अरे ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, चलो चलते हैं। आप तीनों जाओ, मैं नहीं आने वाली। अरे तुम नहीं जाओगी तो हम जाकर क्या करेंगे? तो फिर जाना कैंसिल कर दो। मम्मी प्लीज, मम्मी प्लीज ना। तुम लोग कितना भी जोर लगा लो, मैं नहीं आने वाली हूँ। मम्मी अपने कमरे में गई, तीनों भी मम्मी के पीछे गए और मम्मी को बार बार मनाते रहे, फिर भी वो मान ही नहीं रही थी। तो फिर ठीक है, हम तीनों जा रहे हैं। चलो गट्टू चिंकी, हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। लेकिन पापा। गट्टू चिंकी चलो। और गट्टू चिंकी पापा के साथ कमरे के बाहर आए। बाहर आते ही पापा ने गट्टू चिंकी को आंख मार कर इशारा किया। गट्टू चिंकी इशारा समझ गए। पापा ने मम्मी के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद किया और मम्मी अंदर डर गई। अरे दरवाजा क्यों बंद किया है? हम लोग तो जा रहे हैं और तुम्हें घर में ही कैद रहना है ना, तो फिर तुम इसी कमरे में कैद रहोगी और वो भी हमारे आने तक। ये क्या पागलपन है, खोलो दरवाजा। नहीं, ये दरवाजा अब हमारे आने के बाद ही खुलेगा। अरे लेकिन मैं अकेले इतने दिन यहाँ बैठकर क्या करूँगी? तो हमारे साथ चलो। लेकिन वहाँ बहुत ठंड है। हम है ना। वहाँ तो बर्फ गिरती है। हम है ना। तो फिर खोलो दरवाजा, मैं आ रही हूँ। रात 9 बजे की फ्लाइट थी। तीनों टैक्सी से एयरपोर्ट आए और प्लेन में बैठकर निकल पड़े। लेकिन कहाँ, वो तो हम आपको बताना भूल ही गए। वो सब लोग विंटर वेकेशन पर जा रहे थे, स्नोफॉल एंजॉय करने के लिए। पता है कहाँ? हिमालय के पहाड़ों पर, उत्तराखंड में। आप भी एक्साइटेड हो ना? हमें पता था। तो चलो हम गट्टू चिंकी के साथ साथ आपको भी हिमालय की सैर करवाते हैं। कुछ ही पलों में प्लेन देहरादून में लैंड हुआ। काफी भयानक ठंड थी वहाँ, लेकिन डोंट वरी, गट्टू चिंकी ठंड से लड़ने के लिए टॉप टू बॉटम रेडी थे। वाह, कितनी फ्रेश और अनोखी हवा है यहाँ की, हर सांस एक्साइटेड कर रही है मुझे। बेटा यही तो खास बात है यहाँ की, इसीलिए तो दुनिया भर से लोग यहाँ सैर करने आते हैं। पापा हम यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, लेकिन अब आगे कहाँ और कैसे जाना है ये तो आपने बताया ही नहीं। ऋषिकेश यहाँ से बस 20 किलोमीटर दूर है। हम बस में बैठकर ऋषिकेश से होते हुए औली जाएंगे। चलो। उत्तराखंड के चमोली जिले में औली नाम का स्की रिजॉर्ट है। वहाँ औली में बर्फ से जुड़े स्पॉट है और इन्हीं का लुप्त उठाने के लिए गट्टू चिंकी की फैमिली घर से निकल पड़ी है। बस का सफर काफी आलिशान और इंटरेस्टिंग रहा। बस हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से होते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। दोनों तरफ गहरी खाई और बीच में से बस चल रही थी। बर्फीले सफेद चांदी की तरह चमकते हुए पहाड़, ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, ये सब गट्टू चिंकी बस की खिड़की से एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा है कि हम स्वर्ग का सफर कर रहे हैं। मैं तो बस से उतरकर इन पहाड़ों में, जंगलों में भी जी भर के भागना चाहती हूँ, रुकना नहीं चाहती। ये सुनकर मम्मी पापा हंसने लगे। डोंट वरी चिंकी, हमारा डेस्टिनेशन नजदीक है, हम बहुत जल्द यहाँ की जमीन पर पैर रखने वाले हैं। थोड़ी देर बाद सब लोग औली पहुँचे और वहाँ के एक बड़े से रिजॉर्ट में ठहरे। गट्टू चिंकी बर्फ में खेलने के लिए काफी उत्सुक थे, लेकिन मौसम तो साफ था, बर्फ गिरने का नामो निशान तक नहीं था। बेचारे गट्टू चिंकी नाराज हो गए। फिर रिजॉर्ट के मैनेजर ने बताया, डोंट वरी, अभी मौसम साफ है, लेकिन स्नोफॉल तो 2 मिनट बाद भी हो सकता है। जनवरी और मार्च के बीच तो बर्फ ही बर्फ है, आप खा पी कर थोड़ा आराम कीजिए, स्नोफॉल खुद आपको जगाएगा। और हुआ भी वैसे ही। मम्मी पापा लंच करके सफर की थकान मिटा रहे थे कि तभी मम्मी की आंख खुली। मम्मी ने देखा कि चिंकी खिड़की के पास खड़ी बाहर का नजारा देख रही थी। मानो ऐसा लग रहा था कि खिड़की के बाहर कोई सपना चल रहा है। पूरा आसमान भर आया था और आसमान से जमीन पर हल्की हल्की रुई गिर रही थी, लेकिन वो रुई नहीं,
रुई के जैसा हल्का हल्का मुलायम मुलायम बर्फ था जो जमीन पर गिर रहा था, और जमीन सफेद चादर ओढ़कर मानो शर्मा रही हो। मम्मी भी एक्साइटेड हो गई। अरे उठो उठो, स्नो फॉलिंग शुरू हो गई है। मम्मी पापा उठकर खिड़की के पास आए। चिंकी नजारा देखकर अंदर से इतनी खुश हो गई थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो मम्मी पापा से लिपट गई। थैंक यू सो मच हमें ये वंडरफुल एक्सपीरियंस देने के लिए। मम्मी ने चिंकी को चूम लिया। अरे गट्टू कहाँ है? वो देखो। गट्टू तो कप का बाहर बर्फ में तेज भाग रहा था, फिसल कर गिर रहा था, बर्फ के गोले बनाकर आसमान में फेंक रहा था। मम्मी पापा और चिंकी भागते हुए गट्टू के पास पहुँचे। मौसम ने मम्मी पापा को अपनी उम्र भूलने को मजबूर कर दिया। गट्टू ने बर्फ का बड़ा सा गोला बनाकर मम्मी पापा पर फेंका तो मम्मी पापा ने भी बर्फ के गोले बनाकर गट्टू को मारे। मम्मी पापा और चिंकी गट्टू पर टूट पड़े। सब हंसते खिलखिलाते इधर उधर फुदकते हुए मस्ती कर रहे थे, बर्फ में फिसल रहे थे, चहक रहे थे। तभी गट्टू ने देखा पहाड़ से स्कीइंग करते हुए एक ग्रुप फिसलता हुआ उनकी तरफ ही आ रहा था। गट्टू चिंकी मम्मी सब एक्साइटमेंट में उनकी तरफ भागने लगे और पैर फिसल कर फिसलते हुए अपने आप पहाड़ी से नीचे आने लगे। ओहो, ये, ओहो, याहू। स्नोफॉल बढ़ता रहा, बढ़ता रहा और बढ़ता ही रहा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।